हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं 1.2 एक्सरसाइज। इसमें बेटा पहले हम देखते हैं रियल नंबर्स क्या है। रियल नंबर बेटा आपके पास टू टाइप के होते हैं। एक हो गया आपके पास रैशनल नंबर, दूसरा हो गया आपके पास इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आपके पास जो रैशनल नंबर है बेटा वो आप पी क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और जो क्यू है वो नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे वो पी क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इट कैनॉट बी रिटन इन पी क्यू फॉर्म। ठीक है, पी क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते आप इसको। ओके बेटा, अब हमारे पास जो रैशनल नंबर है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1/2 है, 1/3 है, ये आपके पास रैशनल नंबर की एग्जाम्पल है। बट इसकी एग्जाम्पल आप देखें तो वो है आपके पास √2। ठीक है, और √2 की जो वैल्यू है वो आपके पास जैसे 1.4142, ये आपके पास क्या है, √2 की वैल्यू। अब ये मतलब नंबर चलते जाएंगे आपके पास, जैसे पाई है वो आपके पास क्या है, पाई आपके पास इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये भी इनफाइनाइट नंबर चलते जाएंगे। अब हमारे पास जो रैशनल नंबर है वो आगे टू टाइप के हैं। एक तो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब बच्चे टर्मिनेटिंग, जैसे 1/2 इसकी एग्जांपल ले लो, 1/2 को आप डिवाइड करते हैं, 0.5 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसका रिमाइंडर जो है वो क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, रिमाइंडर बिकम्स ज़ीरो। ठीक है, टर्मिनेटिंग में आपके पास रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। बट नॉन टर्मिनेटिंग अगर आप देखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग इसकी रैशनल नंबर की सेकेंड फॉर्म है, रेकरिंग और रिपीटिंग सेम डेसिमल एक्सपेंशन, आपने फुल लिखना है। ठीक है, रेकरिंग भी हो सकता है, रेकरिंग और रिपीटिंग सेम वर्ड। ठीक है, अब ये जैसे 1/3 है, आप डिवाइड करेंगे 0.333, ये इनफाइनाइट चल रहा है, इसी को लिख सकते हैं 0.3 की बार। ठीक है, अब ये जो नंबर है हमें रिमाइंडर ज़ीरो नहीं देगा। ठीक है, रिमाइंडर कैनॉट बी ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आपका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है बेटा, अब ये होगी हमारी इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 1.2 के लिए। अभी आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आप नोट कर लीजिए इसको। अब यहाँ पे बेटा आपको फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, ट्रू फॉल्स है और जस्टिफाई करना आंसर को। फर्स्ट पार्ट है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जो हर रैशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर जो है रियल नंबर, यस। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा जो रियल नंबर है वो टू टाइप के हैं, रैशनल और इरेशनल। तो फर्स्ट आप क्या देंगे, ट्रू, बिकॉज रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, और उसकी टाइप है एक हमारे पास, फर्स्ट है रैशनल एंड सेकंड है आपके पास इरेशनल। ठीक है, उसी की फॉर्म है, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, सेकंड आपको बोला गया है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m, वेयर m इज द नेचुरल नंबर। आपको बोला गया है, जैसे ये आपके पास नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे 1, 2, ये इनफाइनाइट नंबर है, -1, -2। तो कहते हैं हमारे पास ये जो √m है, हमारे पास नंबर लाइन में क्या ये √m की तरह ही सारे नंबर हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है वो हमें 3 देता है,
स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है हमें वो 2 देता है, ठीक है। मतलब नो नेगेटिव नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास सेकंड पार्ट, हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट फॉल्स है, नो नेगेटिव नंबर इज, नो नेगेटिव नंबर इज ऑफ द फॉर्म फॉर्म ऑफ क्या था, नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट, नो नेगेटिव नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम, ठीक है, नो नेगेटिव नंबर इज ऑफ द फॉर्म रूट एम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। बस इतना भी लिख दो, फॉल्स, नो नेगेटिव नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम, बस, ठीक है। जो हमारे पास रूट एम है, नेगेटिव नंबर जो है वो स्क्वायर रूट आपको नहीं देते, ओके, ये आ गया, नो नेगेटिव नंबर इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है। चलिए, और आगे आपके पास है बेटा, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, जो रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर है, नो, क्योंकि रियल नंबर में हमारे पास रैशनल नंबर भी आते हैं, ठीक है। तो आप क्या लेंगे यहाँ पे थर्ड पार्ट में, फॉल्स बिकॉज टू इज अ रियल नंबर, ठीक है, बट टू जो है इरेशनल नंबर नहीं है, ओके बेटा। आपने क्या देना है यहाँ पे, टू जो है हमारे पास वो क्या है, रियल नंबर है, बट जो टू है वो इरेशनल नंबर नहीं है, ये एग्जांपल दे दो। चलिए, अब हमारे पास है क्वेश्चन टू, क्वेश्चन टू में आपको बोला गया है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इरेशनल, जो स्क्वायर रूट है पॉजिटिव नंबर का वो इरेशनल होता है। तो आपके पास जैसे स्क्वायर रूट फॉर एग्जांपल 9 का 3 है, 4 का आपके पास 2 है, तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है, पॉजिटिव नंबर है, बट ऑल द रूट, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर इरेशनल आते हैं, नो, तो इसके लिए आप क्या देंगे, नो, ओके, एग्जांपल आपने ये देनी है। फिर आपको बोला गया इफ़ नॉट गिवन एग्जांपल, अगर कहता नहीं है तो एग्जांपल दे दो, हम यही एग्जांपल दे देंगे, ठीक है। तो आप दे देंगे 9 = 3 इज नॉट अ इरेशनल नंबर, ओके। चलिए, अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपको बोला गया है शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, तो रूट 5 जो है आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, रूट 5 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर है आपके पास ये 3, क्वेश्चन 3 में बेटा हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन आपने ड्रॉ की, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट 0 है, 1, 2, 3 या 4, -1, -2, ठीक है, ऐसे आपने एक नंबर लाइन ले ली, तो इसका नाम हम ले लेते हैं L, ओके। तो आप लिखेंगे स्टेप्स, तो फर्स्ट लिखेंगे ड्रॉ अ नंबर लाइन L, ठीक है, आपने नंबर लाइन L ड्रॉ करी, ठीक है। सेकंड आपने लिया ये पॉइंट, ये 0 है, यहाँ पे O पॉइंट, और 2 पे आपने लिया A पॉइंट, ठीक है। तो आप लेंगे टेक ओ ए इज इक्वल टू 2 cm ऑन नंबर लाइन, ओके। फिर आपने थर्ड पॉइंट लिया, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आपने क्या लिया,
ए बी परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, तो आप लिखेंगे यहाँ पे टेक परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए ऑन ओ ए, ठीक है। टेक ए क्या आया, बी ए, तो यहाँ पे आप लिख लेना टेक बी ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन ओ ए, ठीक है, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर 90 डिग्री देता है, ज्वाइन करेंगे ओ बी को, ओके। तो आप लिखेंगे यहाँ पे फोर पॉइंट ज्वाइन ओ बी, ओ बी आपने ज्वाइन कर लिया। फिफ्थ आप लेंगे, ये राइट ट्राइंगल हो गया, इन राइट ट्राइंगल ओ ए बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये हाइपोटन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी लो चाहे बी ए लो, कुछ नहीं होता इसमें। ओ बी हमारे पास आ गया, ओ ए है 2 यूनिट प्लस ए बी है हमारे पास 1 यूनिट, ये आ जाएगा 5, ओ बी का यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, सिक्स स्टेप में टेक टेक ओ बी एज सेंटर एंड मार्क एन आर्क ऑन नंबर लाइन ठीक है। तो हमारे पास 7, तो आपने ओ बी सेंटर लिया, मार्क करा पॉइंट ऑन नंबर लाइन, ये आ गया पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्या देगा, रूट 5, ओके बेटा। तो आप यहाँ पे बता देंगे इतना जो पॉइंट, इतना डिस्टेंस जो आया वो क्या आया आपके पास, रूट 5 ये वाला, ओके। तो आप इसको पॉइंट को नाम दे सकते हैं ओ सी। तो हमारे पास ओ सी रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।